ODF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। बदरुद्दीन ने छोटी उम्र में लड़की की शादियों का समर्थन किया है। बदरुद्दीन ने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आबादी बढ़ाने के लिए इसी मुस्लिम फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। 20 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं वो लोग। 40 साल से पहले 1, 2, 3 इल्लीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं तो वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे वहां से तो धान ही धान उगेगा। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा भिड़ी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर से टकराते ही सड़क पर घूम गई। तभी उसके पीछे आ रहा स्कूटर उससे जा भिड़ा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए। इस हादसे में स्कूटर सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई।